के राष्ट्रीय प्रतीकों और धरोहरों का सम्मान करना देश के सभी लोगों का कर्तव्य है, लेकिन इसका अपमान करना दंडनीय अपराध में शामिल है। इसके बावजूद रोहतास में अशोक स्तंभ के साथ की गई बदसलूकी चर्चा का विषय बन गई है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। रोहतास जिले के तेंदुनी चौक पर शहर के सौंदर्यकरण के नाम पर अशोक स्तंभ स्थापित करवाया गया। महज एक दिन बाद ही राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, इसे शहर के कूड़े वाली जगह में फेंक दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसकी भनक नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तक को नहीं लगी और वे इस घटना की जानकारी से साफ इनकार करते दिखे। इसकी जानकारी मुझे मीडिया से ही प्राप्त हुई है, जिसके तुरंत उपरांत हम अपने कर्मी की टीम को, नगर परिषद विक्रमगंज की टीम को लगाया है और इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, जांच करवाया जा रहा है। अभी जैसे तरीके से आपके द्वारा बताया गया कि कूड़े के ढेर में मिली है, अभी हमें अप्राप्त है, कहीं भी हमें अशोक स्तंभ कूड़े के ढेर में नहीं मिला है। मामला जब बढ़ा तब उन्होंने जानकारी होने की बात कही, मगर सारा दोष ठेकेदार के ऊपर डाल दिया। साथ ही अशोक स्तंभ को उचित स्थान पर रखने का निर्देश जारी कर दिया। आपको बता दें कि यदि कोई राष्ट्रीय प्रतीकों या धरोहरों का अपमान करता है तो इंडियन लॉ के तहत प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 2 साल की सजा और 5,000 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वो कर्मी के द्वारा जिस तेंदुनी चौक को सौंदर्यीकरण कराने के लिए हमारे सशक्त स्थायी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था, उसी के आधार पे हम लोगों के द्वारा सौंदर्यीकरण कराने हेतु कार्य कराने के लिए कोटेशन के माध्यम से कार्यदेश निर्गत किया गया। इसके तुरंत जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत जिस संवेदक को हमने कार्यदेश सौंदर्यीकरण करने के लिए दिया गया था, हमारे द्वारा कार्यालय द्वारा दिया गया था, तुरंत उनको स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अभी तक स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त कार्यालय को नहीं हुआ है। मामला भले ही निपट गया हो, मगर अभी भी सवाल यही उठता है कि राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है और मामले में दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। रोहतास से विपिन कुमार के साथ खुशबू की रिपोर्ट।